हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मिट्टी के बर्तन में परफेक्ट तरीके से तूर यानी अरहर की दाल कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मिट्टी में बनाए हुए खाने के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। यह 100% पौष्टिक तत्वों से भरे हुए रहते हैं। तो आइए इस हेल्दी दाल को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है। जितनी हमें दाल बनानी है उससे हमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन रखना है हमेशा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दाल। ये 4 लोगों के लिए मैं दाल बना रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालकर इसे हमें 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है, ताकि इसकी जो भी धूल मिट्टी होगी वो भी निकल जाए। दाल में फाइबर, प्रोटीन, फॉलिक एसिड तथा कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। वहीं मिट्टी के बर्तन में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज होते हैं। तो दाल के साथ साथ हमें ये सारे गुण भी खाने में मिल जाएंगे। तो दाल की ये जो भी पानी है ये सब निकाल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी, यानी 1 कप दाल के लिए मैंने 4 गुना पानी लिया है। अब इसे ढक के आधे घंटे के लिए हम भिगो के रखेंगे। इससे जो दाल है वो जल्दी पक जाएगी। 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये आप देख ही सकते हैं, दाल जो है हमारी फूल के डबल हो चुकी है। ये अच्छी फूली हुई है। अब हम इसे गैस पे धीमी आंच पे पकाने के लिए रखेंगे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये मिट्टी का बर्तन पानी को सोख लेता है, तो मैंने इसमें फिर से 1 कप पानी डाल दिया है और धीमी आंच पे इसे हमें 5 से 10 मिनट तक पका लेना है। ये दूसरे साइड ही साइड में मैंने यहाँ पे चावल रखे हैं। चावल कैसे पकाते हैं इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी जो दाल है वो अच्छी गर्म हो चुकी है। पानी अच्छा उबलने के लिए रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और इसे मीडियम आंच पर ढक के फिर से पका लेंगे, क्योंकि हमारा पानी और बर्तन अच्छा गर्म हो चुका है। तो अभी हम मीडियम आंच रखेंगे। तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उफान आने के बाद ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता मिट्टी का बर्तन जल्दी से, इसलिए धीमे आंच पे ही इसे पकाते जाएं। अब ये जो ऊपर ऊपर झाग है वो हमें निकाल देना है। जैसा कि शक्कर में हमें मैला निकलता है चाशनी में, उसी तरह से ये दाल में भी निकलता है। तो इसी तरह से निकालने के बाद ये जो दाल है वो एकदम क्लीन और साफ है। 20 मिनट तक इसी तरह से पकाते जाना है मीडियम आंच पे। और ये देखिए, ये हमारी दाल अभी अच्छी पक चुकी है। ये दिखने से ही दिख रहा है अच्छे से। एक बार फिर से चेक करें। हाथ से दबाते हुए अगर दाल बहुत ही सॉफ्ट तरीके से दबी हुई हो तो ये जो दाल है ये हमारी पक चुकी है। तो अब हम इसको छौंक लगाएंगे। तो छौंक लगाने से पहले जितना हमें दाल को पतला बनाना है उतना ही क्वांटिटी में पानी लें और उबला हुआ पानी डायरेक्टली दाल में डाल दें। अगर ठंडा पानी डालेंगे जो दाल है वो कच्ची रह जाएगी, इसलिए ध्यान से उबला हुआ ही पानी डालें और इसे ढक के फिर से 5 मिनट के लिए उबलने दें। अगर शुरुआत में ही ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा उफान आ सकता है, इसलिए मैंने शुरुआत में मेजरमेंट के साथ पानी डाला है। और ये 5 मिनट में इसको अच्छा उबाल आ चुका है। अब रवि की मदद से इसे अच्छे से गूंथ लें, ताकि दाल और पानी अच्छे से मिल जाए। अब हम इसे छौंक लगाएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, तूर दाल हल्की गर्म रहती है, इसलिए हम इसे ठंडी के दिनों में यूज करते हैं। अगर आपको गैसेस का प्रॉब्लम हो तो आप घी का छौंक दें, नहीं तो आप तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी लिया है। घी हल्का गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे राई 1/2 चम्मच। राई को हल्का चटकने दें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च। इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है और बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, ताकि ये निकालने में भी आसानी से निकाल सके बाद में। 10 से 12 लहसुन की कलियों को दरदरा सा कूट लिया है। चम्मच से इसे मिला लेंगे और धीमी आंच पे ही छौंक दें, नहीं तो जल सकता है। अब सबसे आखिर में डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता सबसे आखिर में डाला है ताकि ये ज़्यादा चटक के इसका घी जो है वो उड़े नहीं। अब ये गरम गरम छौंक को हम इसी तरह से दाल में डालेंगे। फ्लेम यहाँ पे धीमी रखना है और दाल को उबलने ही देना है।
ये छोंक अच्छा लग चुका है दाल को। अब हम इसे फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। सबसे आखिर में बारी आती है अब धनिया पत्ती की, तो धनिया को मैंने अच्छे से कट कर लिया है बारीक बारीक, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये आप पसंद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने तकरीबन आधा कटोरी डाली है। मिट्टी के बर्तन में जो ये दाल होती है इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है, तो इसी तरह से ढक के मैंने इसे फिर से 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब हमें इसी तरह से फ्लेम बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद भी ये बर्तन जो है वो बहुत ही गर्म रहता है, 5 मिनट तक दाल उबलते ही जाती है, यानी फ्लेम बंद करने के बाद भी दाल हमारी उबलते ही जाएगी। ये देखिए मिट्टी के बर्तन में लंबे समय तक खाना गर्म इसीलिए रहता है क्योंकि ये बर्तन बहुत आराम से ठंडा होता है। तो ये हमारे टेस्टी और पौष्टिक तत्वों से भरी दाल बनके रेडी हो चुकी है। ये काफी लंबे समय तक टिकती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब का जरूर करें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।